गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर सेकंड रिमेनिंग पार्ट द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में समाजवाद का आना। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। शायद ये फार रीचिंग विजन था, ये जो है दूरदर्शी एक स्वप्न था, सपना था कि कैसे सोसाइटी, समाज जो है वो सोशलिज्म से कैसे जो है उसको स्ट्रक्चर किया जाए या कैसी उसकी बनावट थी। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वाज ए वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन। मिड 19th सेंचुरी, मध्य 19th सेंचुरी में यूरोप में जो समाजवाद था वो एक ऐसी विचारधारा थी जिसने सभी, ज़्यादातर सभी को जो है वाइड स्प्रेड अटेंशन को जो है अट्रैक्ट किया, यानी कि सभी का ध्यान आकर्षित किया। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो समाजवादी जो लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने के अगेंस्ट थे एंड सा इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और उन्होंने इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने को सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ माना या जड़ देखते थे। वाई, क्यों? इंडिविजुअल ओवन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। इसका कारण क्या था बच्चों? क्योंकि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ओन करता था, यानी कि जो उसका मालिक था, वो एम्प्लॉयमेंट तो देता था, वो रोजगार तो उसने दिया, बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न ओनली विद, लेकिन उसका जो चिंता थी वो सिर्फ पर्सनल गेन को लेकर के थी। पर्सनल गेन यानी कि बस अपना ही लाभ वो सोचता था एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज, वो उनकी भलाई नहीं सोचता था जिन लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी संपत्ति को प्रोडक्टिव बनाया, उत्पादक बनाया। सो इफ सोसाइटी एज ए होल रादर दैन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कंपेन फॉर इट। इसीलिए यदि सोसाइटी होल रादर दैन सिंगल इंडिविजुअल की पूरे की बजाय सिर्फ एक ही व्यक्ति, व्यक्ति कंट्रोल प्रॉपर्टी अगर हो गई थी, यानी कि कुछ ही लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड थी, यानी कि कुछ ही लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी थी, तो मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, तो उससे ज़्यादा जो है जो कलेक्टिव सोशल सामाजिक जो रुचियाँ थी उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कंपेन फॉर इट, जो कहने का मीन्स ये है बच्चों कि अगर एक ही व्यक्ति मतलब जो है कंट्रोल कर रहा है या कुछ लोगों के हाथ में ही प्रॉपर्टी है, तो वो जो अदर जो लोग हैं, अदर जो पॉपुलेशन है या जो वर्किंग पीपल है वहाँ के, उनकी वेलफेयर के लिए वो व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं करता था। और इस ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को ही समाजवादी लोग जो है वो चेंज करना चाहते थे और उसी के लिए उन्होंने कंपेन किया। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि बिना प्रॉपर्टी के जो है सोसाइटी कैसे चलेगी या कैसे ऑपरेट होगी, व्हाट वुड द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। और जो समाजवादी समाज है, यानी कि समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे, वो किस तरह का मतलब किस आधार पर समाज को बनाना चाहते थे। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, जो समाजवादी लोग थे उनका फ्यूचर को लेकर के एक अलग ही स्वप्न था। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, कुछ लोग जो थे वो सहयोग कोऑपरेटिव में विश्वास रखते थे, सहयोग की जो विचारधारा थी उसमें विश्वास रखते थे। रॉबर्ट ओवेन जो था 1771 से लेकर के 1858 तक ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, वो सोट ए बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी, उसने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, और उसको नाम उसने दिया न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यानी कि यूएसए। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट
ऑन ए वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। कुछ जो समाजवादी थे उन्होंने ये महसूस किया कि जो ये सहयोग की सहयोग, ये जो कोऑपरेटिव होता है बच्चों, कोऑपरेटिव में क्या होता है कि कई सारे लोग मिलकर के एक जो है संगठन बनाते हैं और फिर वो एक मान लिया इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो जो भी मतलब गेन होता है, जो भी प्रॉफिट हुआ उसको वो पहले वर्कर्स को देने के बाद फिर जो है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि जो ये कोऑपरेटिव जो थी ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी वाइड स्केल पर, बड़े पैमाने पर, ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, क्योंकि इसमें कुछ ही लोग जो पार्टनर थे उन्हीं को फ़ायदा होता था। दे डिमांडेड द गवर्नमेंट्स इनकरेज कोऑपरेटिव, वो उन्होंने मांग की कि सरकार ही जो है वो कोऑपरेटिव को इनक्रेज करे, उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इंक्रेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज। फ्रांस में उस समय लुइस ब्लैंक थे जो कि 1813 से 1882 तक का उनका समय था, वो सरकार से चाहते थे कि वो कोऑपरेटिव को प्रोत्साहित करे, प्रोत्साहित करे और जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको ख़त्म करे, उसकी जगह कोऑपरेटिव को लेकर के आए। दिस कोऑपरेटिव वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। अब मैंने अभी आपको ये बताया ही है कि दिस कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव कौन थे, कौन क्या थी ये कोऑपरेटिव, एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोगों का एक संगठन था जिसमें जो चीज़ें साथ साथ में वो प्रोड्यूस्ड करते थे और जो भी प्रॉफिट होता था वो उसके मेंबर उसको बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स 1818 टू 1888 एंड फ्रेडरिक एंगल्स 1820 टू 1895 एडिड अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इन दोनों ने इस विचार इन विचारों के साथ में और भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो तर्क उन्होंने जोड़े। मार्क्स आर्ग्यू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, कि जो इंडस्ट्रियल समाज है वो क्या है, पूंजीवादी है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, और जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पूंजीवादी जो लोग होते हैं, पूंजीपति जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैपिटल को, अपनी पूंजी को फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, निवेश करते हैं। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर, और जो प्रॉफिट है वो किसने बनाया है, वो तो वर्कर ने जो प्रोड्यूस किया है, वर्कर ने बनाया है प्रॉफिट। जो लाभ मिला है कैपिटलिस्ट को, पूंजीपति को, वो तो वर्कर से मिला है। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्युमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। अब क्या था, जो कंडीशन थी वर्कर्स की वो तो इम्प्रूव नहीं हो सकती थी, क्योंकि एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट जो था, ये जो प्रॉफिट होता था, ये जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीपति थे, उन्हीं के पास ये रह जाता था। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वर्करों ने कैपिटलिज्म को जो है, पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसको ओवरथ्रो किया एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रूल था उसको भी उन्होंने ओवरथ्रो किया। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। मार्क्स जो थे, मैंने आपको बताया कि ये दोनों बेटा क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि समाज सुधारक का मतलब जो है काम करते हैं, यानी कि समाज में जो भी परेशानी है उसकी तरफ लोगों का ध्यान देते हैं और उसे जो है सही करने की कोशिश करते हैं। तो मार्क्स जो थे वो ऐसे ही व्यक्ति थे, और मार्क्स विश्वास करते थे कि जो फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि लोगों को जो है, जो वर्कर हैं या जो लोग हैं, उन्हें जो है पूंजीपति के शोषण से, पूंजीपति जो लोग हैं जो शोषण करते हैं वर्कर्स का, उससे अपने आप को आज़ाद कराना चाहिए। वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, और वर्कर्स को एक सोसाइटी जो है रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए, समाज बनाना चाहिए ऐसा,
वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, जहाँ पर सारी ही प्रॉपर्टी जो है वो समाज ही कंट्रोल करे। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और यह कैसी समाज होगा, ये कम्युनिस्ट समाज होगा। ही वाज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रम्पेट इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, वो कन्विंस्ड थे, वो ये मानते थे कि वर्कर जो है वो विजयी होगा अगर वो कैपिटलिस्ट के साथ में जो उनका कन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, उसमें वो विजयी होगा। ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और उनके विचार में जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी वो फ्यूचर की एक नेचुरल प्राकृतिक सोसाइटी थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम कल कराएंगे। ओके okay.